हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। एक बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे हैं आप तक, देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर। अनलॉक 4 पर सरकार का बड़ा फैसला। अनलॉक 4 पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 7 सितंबर से देश भर में चलेगी मेट्रो। 7 सितंबर से मेट्रो अपनी रफ्तार पकड़ेगी। गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, इस वक्त की बड़ी खबर। 7 सितंबर से देश भर में चलेगी मेट्रो। ब्रेकिंग न्यूज, अनलॉक 4 के तहत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 7 सितंबर से देश भर में चलेगी मेट्रो। ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं, अनलॉक 4 में सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने यह फैसला लिया है कि 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। देश भर में मेट्रो की सेवाएं सुचारू हो जाएंगी। सरकार ने, गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। स्कूल कॉलेज हालांकि अभी बंद रहेंगे। बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक, 7 सितंबर से देश भर में चलेगी मेट्रो। मेट्रो अपनी रफ्तार पकड़ने जा रही है। गृहमंत्री ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक, 7 सितंबर से देश भर में चलेगी मेट्रो। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बहुत ही राहत महसूस कर रहे होंगे वो लोग जिन्हें आवागमन की परेशानी हो रही थी, ये मेट्रो का जो फैसला आया है। मुकेश, देखिए बिल्कुल, लगातार जो लोग वर्किंग है, जो लोग जाते थे गाड़ी से या अपने साधन से जाते थे, जो मेट्रो से पहले जाते थे, लेकिन मेट्रो सेवाएं बंद होने के बाद कोरोना की वजह से काफी दिक्कत आ रही थी और लगातार नजरें थी कि कब से मेट्रो चालू हो, लेकिन सरकार का फैसला आया है। हालांकि अनामिका इसमें एक बात खास और है कि इस बार जो मेट्रो जो खुले जा रहे हैं, जी बोलिए, आपको टोकन नहीं मिलेगा, यानी आप टोकन से नहीं जा सकते हैं या रिचार्ज करने की प्रक्रिया नहीं होगी। यदि हम टोकन अपना कार्ड रिचार्ज करवाते थे जाकर मेट्रो स्टेशन पे, वो प्रक्रिया नहीं होगी। इस बार कुछ खास गाइडलाइंस बनाए गए, जैसे कि आपके पास मेट्रो कार्ड है आप ऑनलाइन रिचार्ज करा सकते हैं, या आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके जरिए मेट्रो में सफर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लाइन की प्रॉब्लम थी, जो लाइन में लग के लोग टोकन लेते थे, तो उनके लिए जरूर सोचने वाली बात है, क्योंकि आज के डेट में हर इंसान क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करता है और जो मेट्रो कार्ड है उससे सफर कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम जो प्रक्रिया है रिचार्ज की, यदि आपको जाना है सफर में, अब आपके पास मेट्रो कार्ड नहीं है तो आपके पास एटीएम कार्ड है, उसके जरिए आप जा सकते हैं। जो भी किराया है वो ऑटो डेबिट हो जाएंगे जैसे ही आप मेट्रो का, जिस तरह से मेट्रो कार्ड का यूज कर रहे थे, वो तमाम चीजें हैं इस प्रक्रिया में शामिल। हालांकि अभी जिम की बात करें या स्विमिंग पूल की बात करें, इनको खोलने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है लोगों के लिए। और मेट्रो का जो इंतजार था, लाखों लोग जो दिल्ली में सफर करते थे, हालांकि ट्रैफिक में भी कम असर दिखेगा मेट्रो खुलने के बाद। जी, जो शर्तें रखी गई हैं, एक बार मैं फिर से चाहूंगी, क्योंकि जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, इस खबर का इंतजार सभी को था। मुकेश, एक बार जरा आप प्लीज दोहरा दीजिए कि क्या शर्तें हैं, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, और ये जो एटीएम कार्ड वाला आपने जिक्र किया, ये भी जो कुछ भी आपने जानकारी दी है, जिन शर्तों का जिक्र किया है, वो थोड़ा विस्तार में। देखिए, शर्त ये रहेगी कि यदि आप पहले, आपने देखा कि जैसे मेट्रो स्टेशन पर आप जाते थे सफर करने के लिए, और मेट्रो टोकन लेना पड़ता था लाइन में लग के, वो टोकन आपको नहीं मिलेगा। यदि आपके पास मेट्रो कार्ड है, उसको आप रिचार्ज करने के लिए आप जाते थे मेट्रो स्टेशन पे, वहां पे आप रिचार्ज करते थे, तो वो प्रक्रिया खत्म कर दी गई। यानी कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का, वो पालन भी किया जाएगा मेट्रो में। हालांकि अभी ये गाइडलाइंस नहीं आई है कि एक सीट पे, हालांकि डीएमआरसी की तरफ से पहले ही अपनी जो रिपोर्ट थी वो सरकार को सौंप दी गई थी कि इस तरह से हम मेट्रो चला सकते हैं और इस तरह से मेट्रो में इतने लोगों को बिठा सकते हैं, तो वो भी चीज है। इसके अलावा एटीएम कार्ड है आपके पास, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है,
इन तमाम कार्ड के जरिए आप मेट्रो में सफर कर सकते हैं। हालांकि जो पहले टोकन की सुविधाएं मिलती थी मेट्रो स्टेशन पे, वो सुविधाएं बिल्कुल अभी बंद है, उस तरह से आप सफर नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है या फिर मेट्रो कार्ड है, उसके जरिए ही आप सफर कर सकते हैं। यानी जो रिचार्ज की प्रक्रिया है वो आपको ऑनलाइन ही करना होगा, ऑनलाइन रिचार्ज करके जाएंगे। हालांकि जो मेट्रो स्टेशन की बात करें, मेट्रो स्टेशन के अंदर की बात करें, क्योंकि आपने देखा कभी कभार जो एग्जिट एंट्री गेट है वहां पर भी तमाम तरह की भीड़ लग जाती थी, इसको मद्देनजर सीआईएसएफ को जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी तरह से लोगों की गैदरिंग ना होने दे। जितने लोगों की कैपेसिटी है मेट्रो में उतने लोगों को ही, हालांकि एक सीट को छोड़कर, यानी एक सीट को छोड़कर दूसरे सीट पर लोगों को बिठा जाएगा। तो ये तमाम गाइडलाइंस है और इसी तरह से मेट्रो का अब जो है परिचालन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसके साथ और क्या नई गाइडलाइंस अनलॉक 4 में जारी किए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, जैसे स्कूल कॉलेज या स्विमिंग पूल वगैरह को लेकर, वो भी बताएं। ठीक है, स्कूल कॉलेज स्विमिंग पूल की बात करें तो वो फिलहाल बंद है अनलॉक 4 में, इसको कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन इसमें राहत ये भी है, यदि पहले आपने देखा कि रैलियां नहीं कर सकते थे आप, जनसभाएं नहीं कर सकते, लेकिन एक गाइडलाइन जारी की जाएगी जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक सीमित मात्रा में। जैसे आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही आया था, यदि दाह संस्कार में आप जाते हैं तो ज्यादा लोग नहीं जा सकते, 50 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते, बारात आप लेकर जा रहे हैं उसमें भी लिमिटेशन थी। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जो मेट्रो पे भी लागू की जाएगी। और खास बात ये है इस बार मेट्रो में, जो मेट्रो में आप एंट्री करेंगे तो जैसे जितनी जितने उसमें सीट हैं, हालांकि एक सीट छोड़कर दूसरे को बिठाई जाएगी, यानी दो गज की जो दूरी है, प्रधानमंत्री का जो नारा है कोरोना टाइम में दो गज की दूरी जरूरी है, ये मेट्रो में भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आपने देखा जीटीसी बस जो खोली गई उसमें भी यदि आप सफर करते तो लिमिट लोगों को बिठाया जाता है, यानी दो लोगों की सीट पर सिर्फ एक लोगों को बिठाया जाता है और पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है कि कहीं एक दूसरे के लोग संपर्क में आ जाए। हालांकि मास्क जरूरी है, यदि आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो आपके पास मास्क जरूरी है, यदि मास्क नहीं पहन के जा रहे हैं तो आपको मेट्रो में एंट्री नहीं मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।